हेलो गार्जियंस, आज मुझे ना बच्चों से बात नहीं करनी, आज मुझे बच्चों के गार्जियन से कुछ कहना है। और क्या कहना है, मैं समझता हूँ कि लगभग सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले होंगे या एक दो दिनों में ख़त्म हो गए होंगे। तो जब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो अब बच्चे क्या करेंगे खाली समय में, और गार्जियन बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम कैसे बिता सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें। तो मैं तो कहूँगा कि अब आपके पास समय है कि आप बच्चों के साथ में बैठें, उनसे हल्की फुल्की बातें करें, उनके साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों के साथ में अटैचमेंट डेवलप करना है। अक्सर नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता है कि घर के गार्जियन, ख़ास तौर पर पापा, अपने काम में, ऑफिस में, बिजनेस में बिजी होते हैं, तो बच्चों के साथ ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। और बच्चों का भी स्कूल होता है तो वो 7-8 घंटे तो पढ़ने लिखने के काम में, स्कूल कोचिंग में ही लगे रहते हैं। कई सारे घरों में तो ऐसा होता है कि बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल पर नाश्ता, लंच या रात का डिनर भी नहीं कर पाते। तो अब मौका मिला है कि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैं गार्जियन से ये उम्मीद रखूंगा कि वो थोड़ा सा समय बच्चों के साथ में दे। अच्छा, तो बच्चों के साथ आप बैठेंगे तो क्या करेंगे, आप बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं, या बच्चों को बोलें कि वो अपने पसंद की कहानियां आपको सुनाएं। तो इससे आपको बच्चों की पसंद के बारे में पता चलेगा, उनकी प्रोनंसिएशन स्किल्स के बारे में पता चलेगा, उन्हें कैसी कहानियां पसंद हैं ये भी पता चलेगा। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आखिर किस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, किस तरह की चीज़ों के वो पास आना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं। अगर आपके पास में थोड़ा समय हो और वीकेंड हो तो आप बच्चों को लेकर के पास के मॉल में मूवी दिखाने को भी जा सकते हैं। बच्चों को एक छोटी सी ट्रीट मिल जाएगी कि चलो भाई एग्ज़ाम दिया है तो थोड़ा सा पापा मम्मी के साथ में मस्ती हो जाए, है ना। आप आसपास के पार्क में ले जा सकते हो, कोई मेला लगा हो, एग्जीबिशन हो तो वहाँ भी बच्चों को ले जा सकते हैं। अगर आसपास में कहीं पर बुक फेयर हो तो वहाँ ले जाना अच्छा रहेगा, वो सबसे बेहतर आइडिया है। आप देखो तो सही कि बच्चे बुक फेयर में जा करके करते क्या हैं। अगर आप घर पर बच्चों के साथ बैठे हैं तो एक और भी चीज़ हो सकती है कि आप बच्चों के साथ में कुछ इंडोर गेम भी खेल सकते हो, जैसे कि कैरम हो गया, लूडो हो गया, कुछ पजल सॉल्व करने की बातें भी कर सकते हैं। बच्चों को आप अखबार पढ़ करके सुनाएं, अखबार पढ़ना सिखाएं, अखबार में जो इस तरह की जानकारी है जो उनके जनरल नॉलेज को बढ़ा सकती है वो बताएँ। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि देश दुनिया में, राज्य में, शहर में क्या हो रहा है। अगर आपके साथ में जो बच्चे हैं वो 5th-6th class से ऊपर के हैं तो उनके लिए तो रोज़ के रोज़ अखबार पढ़ना या दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि आप बच्चों को ये सिखाएं कि वो टेलीविज़न पर थोड़ा सा समय न्यूज़ चैनल के लिए भी निकालें और न्यूज़ को सुनें, समझें, आपके साथ चर्चा करें कि ये सारी बातें देश दुनिया में हो रही हैं। एक और बात ये हो सकती है कि अगर बच्चों का ननिहाल या उसके दादाजी का घर आसपास में ही है जहां अभी आप रह रहे हो, तो 2-3 दिनों के लिए आप बच्चों को वहां भी ले जा सकते हैं। दादाजी भी खुश, नाना जी भी खुश, और बच्चों की खुशी की तो बात ही नहीं, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि अगर उन्हें दादा दादी नाना नानी के साथ समय बिताने का मौका मिल जाए। आप एक बार बस पूछ करके तो देखो, बच्चों की मम्मी भी बहुत खुश होंगी, है ना। और ये जो छोटा सा ब्रेक होगा ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये मम्मी पापा गार्जियंस के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। अभी जैसे कि 24-25 तारीख को होली है तो आप होली के लिए भी थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हो बच्चों के साथ में बैठ करके। ये बड़ा अच्छा हुआ कि ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम्स होली से पहले ख़त्म हो गए। तो मैंने जो बात कही कि अगर आसपास में नानी दादी का घर है तो आप बच्चों को वहाँ लेके जा सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर आपको खुद जाने का समय ना हो तो मम्मी के साथ में भेज दें।
अब एक और बात आती है कि भाई अभी अभी बच्चों के एग्जाम्स हुए, सारे के सारे बच्चे अगली क्लास में जाएंगे, तो थोड़े दिनों के बाद में मुझे लगता है 30 मार्च से पहले बच्चों का रिजल्ट भी आ ही जाएगा। तो रिजल्ट में जो बच्चों का परफॉर्मेंस दिखेगा वो तो है ही। इसके साथ साथ में एक और बात है कि आपने भी अभी तक कुछ देखा समझा होगा कि फिलहाल जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या आप उस स्कूल की पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं? अगर आप उस स्कूल की पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं, आपके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, तो फिर तो सोचने की ज़रूरत है। तो यही वो समय है कि आपको अपने एरिया के आसपास के स्कूलों के बारे में, अच्छे स्कूल्स के बारे में जानकारी पता करनी चाहिए। आप चाहो तो उसमें पढ़ने वाले बच्चों से मिलो, गार्जियन से मिलो, और हो सके तो स्कूल चेंज करने के बारे में सोचो। अगर आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा था अभी तक, और अगर आपके बच्चे का जो स्कूल है वो CBSE से एफिलिएटेड नहीं है, है ना, ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, और वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तब तो मैं कहूँगा कि एक बार आप अच्छे से सोचो, और आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपके बच्चे 6th ऑनवर्ड्स अगर किसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो वो स्कूल CBSE एफिलिएटेड होना ज़रूरी है। CBSE से एफिलिएटेड हो या ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड हो। आपने कुछ सोच करके ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया है ना, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अगर स्टैंडर्ड स्कूल की बातें करें, सो द स्कूल मस्ट बी एफिलिएटेड विद CBSE और ICSE बोर्ड। अब जैसे बात आती है कि आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस पुअर है, उसकी कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें खराब हैं, अच्छी आदत नहीं है, क्या वो मोबाइल पर अपना समय ज़्यादा बिताता है, क्या वो बाहर खेलने नहीं जाता, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर है, क्या वो इंटरटेनमेंट के लिए पूरी तरह से मोबाइल पर ही डिपेंडेंट है, क्या उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, क्या वो जिस चीज़ें पढ़ता है उसे अगले दिन 2 दिनों के बाद में याद नहीं रहती, क्या उसका व्यवहार बड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो अगर आप बच्चों के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो एंड यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, आप बच्चों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, अपने बच्चे की पढ़ाई को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो आप देखो, पता करो, आपके आसपास में भी कोई एजुकेटर होगा अच्छा सा, कोई काउंसलर होगा, आप उनके साथ में बच्चों की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो उनसे 1-2 घंटे का समय ले लें, उनसे बात करें और अपने बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में बताएं। अगर अगले 10-15 दिनों में उनसे कुछ इस तरह की आपको सलाह मिल जाती है, कुछ काउंसलिंग सेशन मिल जाता है जो आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए आपके बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, तो क्यों ना इसकी कोशिश की जाए। आपको एक बार सोचना जरूर चाहिए, है ना। ये एक और भी समय है कि अगर आपने बच्चों को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या किसी टीचर का ट्यूशन लगा रखा है, तो अगर आप उनकी पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो ठीक है, कंटिन्यू करिए, और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो ये समय है कि आपको चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। कोचिंग सेंटर को चेंज करना है, ट्यूशन टीचर को चेंज करना है ना, ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के मुझे ये कुछ मुख्य बातें आप सब गार्जियंस से शेयर करनी थी, कहनी थी, जिन बातों पर आप अगले 10 दिनों के लिए, मेरा कहने का मतलब है 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में सोच सकते हो, कर सकते हो। इसमें कहीं ना कहीं क्या, पूरी तरह से आपके बच्चों के फ्यूचर की बातें जुड़ी हुई हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई की बातें जुड़ी हुई है, आपके बच्चों के भविष्य की बातें जुड़ी हुई हैं। तो कभी कभी मैं इसी तरीके से आप गार्जियंस के सामने में भी अपनी बातें रखूंगा बच्चों की पढ़ाई के बारे में, बच्चों की कैरियर के बारे में। तो जल्दी मिलते हैं, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो हैप्पी लर्निंग विद
न्यू एज कोचिंग। आप देखेंगे कि इस चैनल पर आपको बच्चों की पढ़ाई से संबंधित बड़े अच्छे अच्छे टिप्स या उनकी पढ़ाई के लेक्चर्स मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बच्चों को बताइएगा जरूर। जल्दी मिलते हैं, आप सबको होली की शुभकामनाएँ।